प्रसिद्ध पीठ सतकुंभा तीरथ के पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज ने कहा है कि अब संवत्सर 2079 के अंदर 9 जून को गंगा दशहरा हो रहा है। लोगों के मन में संशय था कोई गंगा दशहरा 9 जून को होगा या 10 जून को, जिसका निराकरण हमने कर दिया था। महाराज श्री ने कहा कि श्री मार्तंड पंचाग के तिथि निर्णय अनुसार श्री गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशहरा मनाते हैं। इस वर्ष 10 जून 2022 को दशमी केवल 7 घंटे 26 मिनट तक विद्यमान है और 9 जून को यह दशमी 8 घंटे 22 मिनट बाद सारा दिन विद्यमान रहेगी। इस दिन इस पर्व के निर्णायक 10 योगों की अधिकायत भी है। इन 10 योगों में से ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, कन्यास्थ चंद्र और वृषस्थ रवि, ये इस पर्व निर्णायक 7 योग 9 जून 2022 को मिल रहे हैं। इसलिए श्रीगंगा दशहरा 9 जून का ही पूरे भारत में आयोजित होना है। यमुना नदी में पानी नहीं होने के कारण सिद्धपीठ सतकुंभा तीर्थ श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचेंगे। इसलिए श्रद्धालुओं के लिए अनंत भंडारे की सेवा की जा रही है। ठंडे पानी की छबील लगाई जाएगी। महाराज जी, ये जो ज्येष्ठ का महीना है, इसके अंदर जो तपस्वी ज्यादातर हम देखते हैं कि तपस्या इसमें ज्यादा करते हैं या ठंडे जब दिन आते हैं उस टाइम में तपस्या करते हैं, इसका कोई विशेष महत्व है क्या? जी, सनातन संस्कृति के अंदर त्याग और तपस्या का बड़ा महत्व है। ये जो शरीर है, परेशान हिताय कार्य में परोपकार। अच्छा। ये जो शरीर है, दूसरे के हित की साधना करना परोपकार है। हाँ जी। दूसरे को हम अपना लाभ पहुंचाए वो परोपकार है। तो जब संत वृत्ति जब हो जाती है तो ये व्यक्ति ये समझता है कि भाई जो ये शरीर जो हमें मिला है तो इससे हम क्या परोपकार कर पाए। तो साधना जो भक्ति का जो नाम है, वे शरीर को साधना जी, मतलब शरीर की एक साधना, मतलब विपरीत परिस्थितियों के अंदर शरीर को हम अपने अनुकूल बनाना, ये हमारी साधना है। तो हम जो आपने ज्येष्ठ महीने का, तो ज्येष्ठ महीना जो सौर महीना बोलते हैं इसको जी, कि सौर महीने का अर्थ है कि भगवान सूर्य नारायण की जो सबसे ज़्यादा उष्ण जो शक्ति है वो ज्येष्ठ मास में रहती है। सबसे जो उसकी गर्मी का जो प्रकोप कह सकते हैं हम, उसके लिए ज्येष्ठ मास है। ज्येष्ठ मास के बाद जो है, मतलब अति गर्मी के बाद जो महीना आएगा, फिर वर्षा ऋतु का आ जाएगा, तो साठ का महीना जो वर्षा ऋतु का कहलाता है। तो जो सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना ये होने के कारण, तो जो साधुजन जो हैं, अन्य जो लगे, उन्होंने एक तपस्या का एक मार्ग बना लिया कि भी उतनी ही अग्नि में हम अपने आप को तपाएं जी, विपरीत परिस्थितियों में हम अपने आप को साधें जी, वही साधना है। तो ऐसी साधना है, तो हम देखते हैं कि पौगे महीने में फिर जो है ठंडे जल से तपस्या करते हैं, इसी प्रकार गर्मी में जो है इनमें लगा करके, धुने लगा के तपस्या करते हैं। तो अच्छा महाराज, ये कहते भी दान पुण्य का जेठ के अंदर कुछ ज़्यादा महत्व है, इसका क्या मतलब विशेष कोई बात है क्या इसके पीछे? वो ऐसा ना जी, वैसे तो हर महीने में किसी न किसी चीज़ का महत्व है अपने, जैसे संक्रांत है। हाँ जी। तो संक्रांत के ऊपर भी बड़ा महत्व है खिचड़ी दान करने का। हाँ जी। तिल का, तो ज्येष्ठ के महीने में हमारा जो, क्योंकि पहले जो आमदनी का जो सोर्स था, हाँ, साधन था, वो फसल चक्कर था। तो अब चूंकि सब जो है फसल से निवृत्त हुए हैं, सबके घर में जो नया धान आया है, गेहूँ आया है, सरसों आई है जी, तो इसलिए जो है उसमें से कुछ अंश जो है दान करना। हाँ जी। वो हमारा अभी आजकल इस पे खोज भी चल रही है। हाँ। कि भी पहले जब रुपया नहीं था तो फिर कैसे चल रहे जी, तो ये आया कि भी जो एक हल है। हाँ जी। हल के ऊपर मतलब अनेकों तरह की मतलब सेवावृत्ति लगाई जी, हुई थी जी, कि भी उसी हल से मान लें कि जमींदार जो है खेती करता है। हाँ। तो खेती करने के बाद जब वो अनाज घर में लेकर आता है तो गांव की जो अन्य 36 बिरादरी थी जो खेती नहीं करती थी, उन सब को उसका अंश जो है दान करता था। दान करता था, तो उससे सारी एक जो है व्यवस्था चलती थी। तो वही बात है कि भी जेठ का महीना भी बैसाख के महीने में फसल पूरी हुई। चलो आजकल तो आधुनिक मशीनें हैं इसलिए थोड़ा तुरंत अप्रैल के महीने में निपट जाता काम, नहीं तो पहले जब पैर पड़ते थे तो मई तक जा कर के जो है सारा कुछ बैसाख तक होते होते जो है पूरा फसल का चक्कर पूर्ण होता था। तो अब उसमें से जो दान करना, नई फसल का दान करना, ये बड़ा पुण्य है। अच्छा, गंगा दशहरा, गंगा अवतरण, इनका कुछ जानकारी मिले? ऐसा जी, जब गंगा जब आई तो 10 प्रकार के योग बने थे। अच्छा।
तो गंगा जब आई तो 10 प्रकार के योग बने थे, तो इसलिए गंगा दशहरा बोल देते। अच्छा, और अवतरण का मतलब भी गंगा जी आई जी, तो इसलिए। तो अब जो अभी मैंने बताया कि भी 7 योग तो हमारे को पहले दिन मिले, 3 योग अगले दिन मिले। अच्छा, तो योग जो है, योग है, करण है, इस प्रकार के सिद्धि योग जो हैं जी, तो उनको जो हम योग कहते हैं। तो ये 9 तारीख को ज़्यादा बन रहे हैं, 9 को ज़्यादा बन रहे हैं, मोहम्मद जो है 9 को बन रहे हैं। ठीक है, 7 योग बन रहे हैं। ठीक, तो 10 का योग कभी कभी बन पाता है, कई कई साल में 10 का योग बनता है। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।